यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही खबर भिवानी से, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र में इंजेक्शन लगवाने पहुंची गर्भवती महिला की तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भिवानी के जावा के रहने वाले कुलदीप की पत्नी की इंजेक्शन लगवाने के बाद तबियत बिगड़ गई। तबियत बिगड़ने पर उसे दादरी के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से भिवानी रेफर करने पर उसकी मौत हो गई। जांच अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र से टीका लगवाकर घर वापस लौटने पर महिला की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि एक गर्भवती महिला जिसने आंगनबाड़ी केंद्र से इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद में जैसे ही वो घर पहुंची तो उसकी तबियत बिगड़ने लगी। जब परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया तो महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। और अब परिजनों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि गलत इंजेक्शन महिला को लगाया गया था और जिसके चलते उसकी मौत हुई है। हालांकि यहाँ पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस की ओर से किया जा रहा है, जिसके बाद साफ हो सकेगा कि क्या वाकई में इंजेक्शन गड़बड़ी थी जिसके चलते महिला की मौत हुई या फिर किसी और वजह से महिला की मौत हुई है। तो भिवानी से ये खबर है, जहां पर एक गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण महिला की मौत हुई है। हालांकि आपको बता दें कि मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिला इंजेक्शन लगवा कर घर आई, जैसे ही तो उसकी तबियत बिगड़ने लगी, जिसके बाद में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस पर अब आंगनबाड़ी केंद्र में गलत जो है इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया जा रहा है मृतक के परिजनों की ओर से।